हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने बिहार की वर्तमान राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री को लेकर बात की है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कामकाज की बातें तो मीडिया में आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। और सचिव जो हैं, चाहे मिनिस्टर हैं, अगर किन्हीं का कुछ हिडन एजेंडा हो, कुछ ऐसा मालाफाइड ऐसा इंटेंशंस हो, तभी जाकर के कुछ ऐसी बातें आती हैं। नहीं तो अगर सरकार अगर विकास की बात करती है तो इस तरह युवा कम्युनिटी टकराता है और ऐसी कोई बात नहीं। हम भी मिनिस्टर के तौर पर, हमारे भी सचिव जो रहे हमसे बहुत अच्छे रिश्ते रहे, हम भी दो विभाग के मंत्री रहे, हमें तो नहीं लगता कि इस तरह की कोई बातें होती है। अगर कोई बात भी होती तो हमारा जो सबसे बढ़िया फोरम है कि मुख्यमंत्री जी के सामने जाके बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं चल पाऊँगा किसी कारण से, तो मैं स्वेच्छा से रिजाइन कर देता। तो मैं चंद्रशेखर जी से भी बोलूँगा कि आपको इस तरह की बातें अगर लगती है तो आप रिजाइन कर दीजिए ना, जनता को बताइए कि हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ, रिजाइन करके आके बोलिए। और इस तरह की बातें जो सरकार की बातें होती है, बाहर आने से आपके सरकार के ऊपर ही आरोप। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने राजधानी पटना पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने और देखने पहुंचे। लोगों की भारी भीड़ देखकर शिल्पा ने भी अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया। इधर से उधर से, छत से, दाएं से, बाएं से, चाहे वो कपड़ा हो, वो ज्वेलरी हो, जो भी ड्रेस हो, मैम वो आप पे खूबसूरत, वो आपका नजरिया है, आपका प्यार है। थैंक यू मैम। अनिसाबाद में जितने भी लोग आपको देख रहे, इधर से उधर से, छत से, दाएं से, बाएं से, अभी अभी बताया मैंने आपको कि ये कहते हैं ना, जैसे दिल होता है हमारे हमारे पास। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पटना पहुंची। आपको बता दें कि एक निजी कार्यक्रम में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने शिरकत किया। आप देख सकते हैं कि उन्हें सुनने और उन्हें देखने के लिए वहां पर उनके प्रशंसकों की मौजूदगी रही। कल्याण ज्वेलर्स के एक निजी कार्यक्रम में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भाग लेने राजधानी पटना पहुंची और उन्होंने अपने दर्शकों का अभिवादन भी किया। आप देख सकते हैं वहां पर शिल्पा शेट्टी को देखने के लिए प्रशंसकों की भीड़ भी जुटी, जो उन्हें देखने और सुनने पहुंचे थे। शिल्पा शेट्टी एक निजी कार्यक्रम कल्याण ज्वेलर्स के कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां पर उनके चाहने वाले, उनके फैंस, उनके प्रशंसकों की भीड़ देखी गई। अगर मैम इजाजत दे तो गाना कौन सा होगा? झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाई स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाई स्कोप ऐप।